बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या हाल हैं? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इस वजह से कि आज आपके लिए तीन ऐसे बेस्ट स्टॉक लेके आए हैं जो कि डिविडेंड, बोनस और ग्रोथ तीनों की तीनों देने जा रहे हैं, और इनकी अनाउंसमेंट है ट्यूजडे वाले दिन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और जो दोस्त हमारे रमजानुल मुबारक में हमने जो स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे लर्निंग ग्रुप स्टार्ट किया है 2 मंथ्स का, उसमें आने के लिए नंबर नोट कर लें 03234714528। जी तो दोस्तों, बात है देखें कि पॉलिटिक्स पे आप जितना मर्जी डिस्कस करते जाएं, बोलते जाएं एंडलेस है, यानी कि इसका एंड कोई नहीं है। टाइम ही समझ लें एक तरह का इसमें ज़ाया करना होता है। तो वही बातें हम बार बार कर चुके हैं कि जी वो जजेस ने फैसला दिया है, गवर्नमेंट ने मुस्तरद कर दिया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो सब कुछ आपके सामने। ये तो जिस करवट भी ऊंट बैठेगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वक्ती तौर पे जो है कि हम अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। IMF की तरफ जो मामलात हैं वो हमारे प्रोग्रेसिव में है। कल आपने इस आगदार साहब का बयान भी सुन लिया है कि जी मैं सिर्फ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसकी वजह से इधर हूं, क्योंकि अदालत की तरफ से जो 10 अरब डॉलर रुपया 21 अरब डॉलर इनको देना था इलेक्शन कमीशन को, वो उसकी वजह से, उसके अरेंज की वजह से मैं इधर रुका हूँ। और दूसरे भी कुछ मामलात हैं कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि आप रुक जाओ, तो लिहाजा मैं रुके हूं, लेकिन मेरी शमूलियत उधर वर्चुअल जो है लाइन पे जरूर होगी, और उनके साथ सारे मामला जिस तरह से है वही कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी बावर करा दी है कि हम एक रियासत हैं, हम कोई बकारी नहीं है जिसको अमेरिका कह दे कि भाई आप अपने मुल्क में रहो, मांगने ना। और उनसे हम मांगने नहीं जा रहे, हम IMF के साथ जा रहे हैं अपने मामला तय करने, चूंकि हम उनके एक मेंबर हैं, रुकन है IMF के। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। तो इस वजह से ये जो नेगेटिव रूमर से खबरें फैला रहे हैं जी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, उसको भी लेके उन्होंने कहा कि वो खुदारा अपनी जुबान को बंद रख लें, जब मुल्की मुफादात वाला काम हो तो वहां पे दुश्मनियां छोड़ दिया करें। और ये भी बात उन्होंने क्लियर कराई है कि हर दफा ये कहते हैं जब भी पेमेंट आती है देने की, जी डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, हम पेमेंट कर देते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो आने वाली पेमेंट है, जो ये मुख्तलिफ खबरें चला रहे हैं जी आइंदा 3 सालों में इतनी पेमेंट करनी है, इतनी करनी है, सब हम टाइम पे देंगे। उन्होंने ये जो भाव था ये सब दूर कर दिया है। तो सऊदीया की तरफ से जो क्लियरेंस आ गई है, UAE की तरफ जो है वो मामला मंडे को, कल यानी कि उनके साथ स्टार्ट हो जाएंगे और 1-2 दिन में उनकी भी प्रोग्रेस आ जाएगी सामने। तो हम अपना तैयारी करें, अपने काम की तरफ तवज्जा दें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालें जिनकी बोर्ड मीटिंग्स भी हैं या जिन्होंने अनाउंसमेंट दी हुई है, ताकि आप अच्छे स्टॉक्स में एंट्री डालें और अपना मार्केट जब ऊपर जाए तो आप उसमें पैसा कमाएं। तो दोस्तों, आज आपके लिए 3 स्टॉक रखे हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग है, एक की अपना कल है और 2 की है अपना ट्यूसडे को। तो इसके थोड़े टेक्निकल आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जी EPQL, ये देखें जरा, ये आपके सामने मैंने रखा है ताकि ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखा जाए, आपको यकीन हो कि जो कुछ भाई कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये देखें इनका 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, बेहतरीन EPS है इनका और किसी भी साल में लॉस में नहीं है कंपनी। और इस कंपनी का रिकॉर्ड भी रहे, ये डिविडेंड वगैरह भी दे देती है, ठीक है ना। छोटा सा शेयर है, इतनी ज्यादा अमाउंट वाला शेयर नहीं है, तो अगर डिविडेंड देती है, आपको पता है ये प्लस बेनिफिशियल बात होती है, तो इस वजह से आपको ये लेना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है ये डिविडेंड देगी।
उसके बाद है जी ये आपके सामने है जी JLICL जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये जबरदस्त किस्म का EPS है, देखें 22, 26, 41, 30, 25, 33 जबरदस्त, यानी कि है हर साल प्रॉफिट दिया है, अच्छा प्रॉफिट दिया है और लॉस में नहीं कभी भी गई है अभी कंपनी, और डिविडेंड देती है, तगड़ा देती है, बोनस भी साथ साथ कभी दे देती है, ठीक है, तो ये आपको लेना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाएं तो तीसरे नंबर पे है जी DCR जो है जी ये है जी डॉलमेंट सिटी रीट, तो इसका देखें जी 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, 2016 में इसका अर्निंग बहुत अच्छा था ₹8 पर शेयर, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली थोड़ा 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 करके बढ़ा रही है, और ये कंपनी छोटी सी कंपनी है, देखें 11-12 रुपए का इसका शेयर है, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, जबरदस्त चीज है, तो आप भी इसको लेके होल्ड कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में उठा लें तो आपको अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा, तो ये ऐसा स्टेबल शेयर है, ये गिरता नहीं है नीचे किस तरह के भी हालात हो, थोड़ा सा गिरेगा लेकिन फौरी रिकवर कर लेता, बहुत स्टेबल ये कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ, ढेरों दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।